दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। जय हिंद। राजस्थान के तमाम प्राइवेट स्कूल संचालकों को मेरा प्रणाम। आज एक और विशेष विषय हेतु मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अप्रोप्रिएट एक्शन आप भी लेंगे। आज एक संगठन द्वारा, स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा, एक मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया गया है लिखित में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 3 महीने की फीस हम लोग एक साथ नहीं लेंगे, आगामी 9 महीने में वो एडजस्ट करवाई जाएगी। और 30,000 स्कूलें, उन्होंने बहुत बड़ी बात ये लिख के दी है कि 30,000 स्कूलें इस संगठन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष होने के नाते, एक स्कूल संचालिका होने के नाते, इस बात का मैं घोर विरोध करती हूँ कि माननीय अनिल जी, घर में 100 लड़ाई हो सकती है, संगठन में आपसे मनमुटाव हो सकता है, बट वेन इट गोज़ टू द पब्लिक प्लेस, वेन इट गोज़ टू द मीडिया, आपको यहाँ पे स्कूलों के संगठन के स्कूलों के हितों का ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का आपको रिटर्न में लिखित में नहीं देना चाहिए था। लिखित में देने से पहले क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा है कि स्कूलें 3 महीने सर्वाइव कैसे करेंगे, उनका क्या खर्चा कम हुआ है, मुझे आप ये बता दीजिए। खाली एक डीजल ही तो कम हुआ है कि जो बसें, जो वाहन, जो गाड़ियां नहीं जा रही है सड़क पर, वही तो कम हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, क्या बिजली कम हो गया बिल देना, या पानी का बिजली कम हो गया, स्टाफ का वेतन घर बैठे बैठे आप क्या नहीं दे रहे हैं, जो स्टाफ ऑनलाइन स्टडी ले रहा है क्या उनका वेतन नहीं दे रहे हैं आप, क्या ड्राइवरों का पैसा नहीं लग रहा है, क्या आपके ईएमआई कोई भी खत्म हो गई है, क्या आपके कोई भी लोन माफ़ किया है किसी भी बैंक ने, गाड़ियों की जो वाहन चलते हैं उनकी किस्त किसी भी गाड़ी की माफ़ हुई है तो मुझे ये बता दीजिए, किसने छूट दिए 3 महीने तो मुझे ये बता दीजिए आप, और आपके अन्य जो खर्चे हैं स्कूलों के, सरकार ने कोई 1 रुपए की रिबेट आपको दी है, कोई आर्थिक सहायता दी है आपने, इधर आरटी का पैसा अटका हुआ है, सैकड़ी स्कूलें जो बंद होने के कगार पर हैं, और ऊपर से आपने लिखित में इस प्रकार का वक्तव्य दिया है वो कि मेरी नज़र में तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। आपने जो लिखित में दिया है कि 30,000 स्कूलें हैं, कृपया उसकी सूची हम लोगों को आप दिखाएं कि ऐसा कौन सा स्कूल, आखिर मैं भी तो देखना चाहूँ, जिसने लिख के दिया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि साहब मैं 3 महीने की फीस नहीं लूंगा, वो चलाएगा कैसे? जो स्कूल किराए पर चल रहे हैं वो क्या 3 महीने का किराया उन्होंने मकान मालिकों ने माफ किया हुआ है क्या? वो क्या आपने जेब से देगा, क्यों आपने बेच के देगा वो अपने आप को? आखिर ये निर्णय आपने ले कैसे लिया? हु ऑथराइज्ड इट? आपको इस निर्णय लेने के लिए ऑथराइज किया किसने आखिर? आप केवल अपने वाही वाही करने के लिए, सरकार से आप अपना नाम करने के लिए, और इस प्रकार से आपने स्कूलों पे दाव लगा दिया। कल तो आप बड़े ही ऑडियो जारी कर रहे थे जब अशोक लाहौटी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक लाइव वार्ता लेके ये कहा था कि भाई जो स्कूलें हैं वो फीस माफ करें। आज मैं स्वयं लाहौटी जी से मिलकर आई थी, उनको एक भी उनका ऐसा वक्तव्य नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्कूल की फीस माफ करें। उन्होंने कहा कि जो 1 लाख से ऊपर फीस लेते हैं वो एटलीस्ट, जिनको सरकार ने अनुदानित जमीन दे रखी है, वो इस समय में सरकार की सहायता करें, वो अभिभावकों को सहायता दे। जिन स्कूलों की 50,000 से नीचे फीस है उन्होंने तो अभिभावकों से अपील करी है कि कृपया उन स्कूल में थोड़ा थोड़ा करके भले फीस दो, आप फीस दो, नहीं तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे, वो अपने स्टाफ को वेतन कैसे देंगे, वो अपनी ईएमआई किस्त कैसे लगाएंगे, वो अपने ये जो किराया जाता है वो कैसे देंगे, वो सारी चीजें उन्होंने कही। उस बात पे तो आपको बड़ा ऑब्जेक्शन लिया आपने, और जो सत्यता थी जो आपको कहना चाहिए था वो आपने कहा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों भाई, किसने आपको ऑथराइज किया? मतलब कोई नहीं बोले इसका मतलब आप कुछ भी करोगे, आप अपनी मनमर्जी लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं घोर विरोध करती हूं और आप सबसे अपील करती हूं तमाम संचालकों से कि जिस जिसको ये ऑब्जेक्शन है कि साहब 3 महीने आप फीस नहीं लोगे, वो ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर अपने अपने आप एरियाज में ज्ञापन दें और मीडिया में छपवाएं कि ये व्यक्तिगत निर्णय उनका स्वयं का है। अगर आपको था तो आप अपने पर्सनल स्कूल का नाम लिख के देते कि साहब मेरा फलां स्कूल नाम है और मैं ये अभिभावक को 3 महीने की फीस नहीं लूंगा, या आगामी समय में लूंगा, या मैं पूरी माफ करता हूं, दैट इज अप टू यू, आपका फैसला, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपने स्कूल के स्वयं जिम्मेदार हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन दूसरे स्कूलों के विषय में आपको बोलना, लिखित में सरकार को देना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बहुत गलत किया है। या तो आप 30,000 उन स्कूलों की लिस्ट हमें दिखाइए, लिखित में उनका दिखाइए कि साहब हमने इनको ऑथराइज किया, हम 3 महीने की फीस नहीं लेंगे, और या फिर अपना वक्तव्य बदलिए। मीडिया में जो आपने स्टेटमेंट दिया है, जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया आपने, उसको आप चेंज करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अदरवाइज जो भी कार्रवाई होती है कानूनी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के समस्त निजी स्कूलों और अभिभावकों के लिए मेरा मैसेज है, साथियों, ये जो न्यूज है, ये जो वायरल हो रही है, वो निजी स्कूलों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आप सब लोगों का जो भ्रम है उसे दूर कर देता हूँ। स्कूल शिक्षा परिवार का निजी स्कूलों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आज जो अनिल जी ने जो न्यूज़ जारी की है और जो सरकार को लेटर दिया है, साथियों, उन्होंने अपने SSP स्कूलों के लिए दिया है। राजस्थान के अंदर अनिल जी ने SSP स्कूलों के बोर्ड लगा रखे हैं, SSP स्कूल वो चलाते हैं, और एक स्कूल ब्रांड उनका है, वो अपनी खुद की कंपनी है, और कंपनी के लिए नियम लागू करना बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
साथियों, किसी भी अभिभावक को किसी भी स्कूल को बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है, आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करें अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है। स्कूल मैनेजमेंट बिल्कुल आपका सहयोग करेगा और निश्चित है जो परिणाम आएंगे वो सकारात्मक आएंगे और उसका लाभ आप लोगों को सीधा मिलेगा। वही मेरा मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि इस प्रकार की न्यूज़ आप ना दिखाएं और सरकार को भी बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा, अनिल जी अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी कभी निजी स्कूलों के लिए कार्य करते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी कंपनी को चालू किया है, स्कूल शिक्षा परिवार के जो SSP स्कूल है वो उनके लिए कार्य करते हैं और उनका राजस्थान के किसी भी निजी स्कूल से संबंध नहीं है। आप चाहे तो इसकी जानकारी राजस्थान के किसी भी ज़िले से उठा लें। इसलिए आप सभी भ्रमित ना हों, इस प्रकार की न्यूज को वायरल ना करें और मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है, हम आपके साथ हैं, हम हर समय आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप हमें सहयोग करें। आपके सहयोग से ही हमारे स्कूलों का संचालन होता है और निश्चित है आप जब हमें सहयोग करेंगे तो हम आपके बच्चों को बेहतर व्यवस्था और बेहतर सुविधा देंगे। इस कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति पे कई प्रकार से फर्क पड़ा है, आपका सहयोग अगर हमें बराबर मिलेगा तो निश्चित है हम इस समय भी अन्य उप संसाधन अपने स्कूल के अंदर लगाएंगे और आपके बच्चों को सेफ और सुरक्षित एजुकेशन देने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहेंगे। मैं राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ का प्रदेश प्रभारी होने के नाते समस्त निजी स्कूलों से अपील करूंगा, इस प्रकार के जो कंपनियां चला रहे हैं, इस प्रकार से जो अभिभावकों मीडिया और सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और ऐसे लोगों से दूर रहें।